हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू मैनेजमेंट क्लासेस। आज का जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के लिए है वो है रिगार्डिंग ग्रीवियंस और उसका प्रोसीजर, उसके बारे में हम बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ग्रीवियंस, लाइक वॉट इज ग्रीवियंस ऑल अबाउट एंड हाउ डू वी मैनेज दीज ग्रीवियंसेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रीवियंस एक बेसिकली डिससेटिस्फैक्शन को हम कहते हैं जो एम्प्लॉयज़ को होता है, किसके रिगार्डिंग, पे, प्रमोशन, सस्पेंशन, वर्किंग कंडीशंस और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जो हम आगे अपनी फर्दर स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो ग्रीवियंस का मतलब ये होता है जब एक एम्प्लॉय अनहैप्पी होता है या डिससेटिस्फाई होता है या वो जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन से वो उसको नहीं मिलता है, जिस वजह से वो लो फील करता है। तो उस वजह से उसका रिजल्टेंट क्या होता है कि उसको ग्रीवियंस होने लगता है, मतलब वो अनहैप्पी होने लगता है अपनी जॉब से, वो डीमोटिवेट होने लगता है और वो उसका एब्सेंटिज्म रेट बढ़ने लगता है, मतलब वो नहीं चाहता है कि वो उस जॉब को और कंटिन्यू करे। ठीक है, तो बेसिकली ग्रीवियंस क्या है, एक तरीके से का डिससेटिस्फैक्शन है, या फिर हम ये कह सकते हैं जब एम्प्लॉय अपनी जो जॉब है उससे अनहैप्पी होता है या नाखुश होता है तो उसको क्या हो जाता है, ग्रीवियंस हो जाता है। किस वजह से, क्योंकि वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है मे बी उसको इन रिटर्न कंपनी से वो चीज़ नहीं मिल पा रही होगी। अब वो उसके प्रमोशन से रिलेटेड भी हो सकता है, उसकी सैलरी से रिलेटेड भी हो सकता है और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, अब इस ग्रीवियंस को सॉल्व करने के लिए एक ग्रीवियंस मैकेनिज्म फॉर्म होता है विद एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये ग्रीवियंस मैकेनिज्म का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि ये एक अच्छे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, मतलब जो सबॉर्डिनेट्स और जो सुपीरियर्स के बीच में जो एक रिलेशनशिप होना चाहिए उसको मेंटेन करके चलता है, मतलब हेल्दी और हारमोनियस रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलता है। इस बॉडी का ये रोल होता है। अब ये रिलेशनशिप क्यों ज़रूरी है, जब तक एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में अच्छे कॉन्टेक्ट्स नहीं होंगे, अच्छे लिंक्स नहीं होंगे, अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा कि एम्प्लॉई एम्प्लॉयर से अपने जो भी उसको प्रॉब्लम है या जिस वजह से वो अनहैप्पी है, जिस वजह से वो डिससेटिस्फाई, तो वो चीज़ वो उसके साथ शेयर नहीं कर सकेगा। ठीक है, और रिजल्टेंट उसके रिजल्टेंट क्या होगा, उसका मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ठीक है, या मे बी जो गोल्स हैं वो नहीं अचीव कर पाए वो एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसलिए ग्रीवियंस मैकेनिज्म फॉर्म हुआ है ताकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट हो सके, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है ग्रीवियंस को कंट्रोल करने के लिए। बिकॉज एम्प्लॉयर ही एक ऐसा पर्सन होता है जो एम्प्लॉयज के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है और उससे बात करके उसकी परेशानी को या उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, इट इंश्योर्स अ फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज कंसर्न एंड प्रॉम्प्ट रिजोल्यूशन ऑफ ग्रीवियंसेस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कोएर्शन एंड सो ऑन। मतलब कि एम्प्लॉय ग्रीवियंस मैकेनिज्म क्या करती है, प्रॉम्प्ट रिजोल्यूशन करती है, मतलब जल्द से जल्द ये देखती है या ये इस तरीके के वेज निकाल के लाती है कि जिससे जो एम्प्लॉय का ग्रीवियंस है वो उसको हटा सके या उसको रिमूव कर सके ग्रीवियंस की प्रॉब्लम को। ठीक है, और इसी फॉर्मल मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ग्रीवियंस प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मल होता है प्रोसीजर होता है जिसके बारे में हम अपने आगे वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। अब इसमें कुछ एक्ट्स जो हैं ग्रीवियंस में वो ज़रूरी होती हैं, जैसे कि नंबर पहली आ जाती है स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। ठीक है, ये कहाँ एम्प्लॉय होती है, जहाँ पर 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, तो उस फैक्ट्री को या प्लांट को स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 को एम्प्लॉय करना पड़ता है। अब इसमें किस से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेज ऑफ वर्कर्स अगेंस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट एंड रॉन्गफुल एक्शंस बाय द सुपरवाइजर और द एम्प्लॉयर। मतलब अगर एम्प्लॉयर या सुपरवाइजर कुछ भी अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा है किसी एम्प्लॉय से या किसी वर्कर से, तो उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस बने हुए हैं इस एक्ट में, इसलिए ये एक्ट ज़रूरी है ग्रीवियंस सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट आती है हमारी फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये क्या कहती है कि वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करना ज़रूरी है, कहाँ पर, जहाँ पर 500 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय हैं। ठीक है, तो वेलफेयर ऑफिसर अगर होगा तो वो क्या देखेगा वहाँ पर, वो रिजॉल्व करेगा कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंसेस ऑफ द वर्कर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लेबर लेजिस्लेशन। अब जो थर्ड एक्ट आती है वो आती है हमारी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947।
जो अमेंड हुई थी 1965, और इस अमेंडमेंट की वजह से क्या चीज़ निकल कर आई थी, रिड्रेसल ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू डिस्चार्ज डिसमिसल एंड रिटेंचमेंट। मतलब अगर डिस्चार्ज डिसमिसल या रिटेंचमेंट की वजह से इम्प्लॉई या वर्कर को कोई ग्रीवियांस होता है या कोई डिस्प्यूट होता है, इशू होता है, तो उसको ये सॉल्व कर, इस एक्ट में वो प्रोविजंस हैं जो इन ग्रीवियांसेस या प्रॉब्लम्स, इन तीनों से रिलेटेड ग्रीवियांसेस या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको ग्रीवियांस प्रोसीजर के बारे में अब बताऊँगी, ये ग्रीवियांस प्रोसीजर फॉर्मल और सिस्टमेटिक तो होता है, लेकिन अलग अलग कंपनी अलग अलग स्टेप्स फॉलो करती है। मतलब हर जगह ये ग्रीवियांस प्रोसीजर यूनिफॉर्म नहीं होता है, जो इसके स्टेप्स हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अलग ग्रीवियांस प्रोसीजर एडॉप्ट करती है, ठीक है, स्मॉल अलग ग्रीवियांस प्रोसीजर एडॉप्ट करती है, लेकिन मेन थिंग ये है कि ये जो प्रोसीजर होता है ये फॉर्मल होता है, प्लस डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि वो शॉर्ट ग्रीवियांस प्रोसीजर ऑप्ट कर रही है, लॉन्ग ग्रीवियांस प्रोसीजर ऑप्ट कर रही है, या कैसा प्रोसीजर एडॉप्ट कर रही है। ठीक है, अब कुछ यूजुअल स्टेप्स हैं ग्रीवियांस प्रोसीजर के जो मैं आपको बता रही हूँ। ये ग्रीवियांस प्रोसीजर जो मैं आपको बता रही हूँ ये विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, इसमें आउटसाइड पार्टी का कोई रोल नहीं होता है। आउटसाइड पार्टी से मतलब आ जाते हैं कोर्ट्स एंड ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, ये ग्रीवियांस प्रोसीजर कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर आर्बिट्रेटर का रोल होता है, मतलब जहाँ पर कंपनी आर्बिट्रेटर को या आर्बिट्रेशन के थ्रू ग्रीवियांस रिजॉल्व करवाती है, वहाँ पर ये वाले चार ग्रीवियांस प्रोसीजर के स्टेप्स फॉलो होते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है, कॉन्फ्रेंस होती है किसके बीच में, एग्रीव्ड एम्प्लॉई मतलब जिसे प्रॉब्लम है, सुपरवाइजर और यूनियन के बीच में। स्टेप नंबर टू, उसके बाद किसके बीच में कॉन्फ्रेंस होती है, मिडिल मैनेजमेंट और मिडिल यूनियन लीडरशिप। उसके बाद थर्ड स्टेप में किसके बीच में कॉन्फ्रेंस होती है, टॉप मैनेजमेंट एंड टॉप यूनियन लीडरशिप। अब आप देख रहे हैं ये जो लेवल है ये नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब अगर एग्रीव एम्प्लॉय सुपरवाइजर यूनियन इस मैटर को नहीं सॉल्व कर पाए तो कौन सॉल्व करता है, मिडिल मैनेजमेंट एंड मिडिल यूनियन लीडरशिप। वो लोग भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो किस मैटर किसके पास जाता है, टॉप मैनेजमेंट एंड टॉप यूनियन लीडरशिप के। अब वो लोग भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो फाइनली किसके पास जाता है ये इशू, आर्बिट्रेटर के पास जाता है। आर्बिट्रेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो दोनों यूनियन और मैनेजमेंट को एक साथ लाकर उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाता है और वाया आर्बिट्रेशन उनके इशू को सॉल्व करता है। ठीक है, अब ये ग्रीवियांस हैंडलिंग प्रोसीजर है, इसमें ग्रीवियांस कमेटी का रोल होता है, प्लस इसमें वॉलंटरी आर्बिट्रेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो पहले मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, इसमें ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आउटसाइड पार्टी का कोई रोल नहीं था, आर्बिट्रेटर का रोल था। और ये प्रोसीजर ऐसा है जहाँ पर आर्बिट्रेटर का नहीं रोल है, किसका रोल है, कोर्ट्स एंड ज्यूरिडिक्शंस का। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या आता है कि जो ग्रीवियांस है वो पहले किसके पास सबमिट होता है, फोरमैन या वर्कर मतलब लोअर लेवल के पास या सुपरवाइजर के पास सबमिट होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, उसको आंसर कितने दिन में देना होता है, उस एग्री एम्प्लॉय को विद इन 48 आवर्स। स्टेप नंबर टू, अगर वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाया तो जो एग्रीव्ड एम्प्लॉय है मतलब एम्प्लॉय जिसे प्रॉब्लम है वो अपने ग्रीवियांस को किसके पास लेकर जाएगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास। वो कितने दिन में अपना आंसर देगा, विद इन 3 डेज उसको, उस एम्प्लॉय को आंसर देना है। अब एम्प्लॉय अगर उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट से भी नहीं सेटिस्फाई होता है तो वो किसके पास लेकर जाता है अपनी ग्रीवियांस की प्रॉब्लम, ग्रीवियांस कमेटी के पास लेकर जाती है। ठीक है, द ग्रीवियांस कमेटी मेक इट्स रिकमेंडेशन टू द मैनेजर। ग्रीवियांस कंपनी एग्रीव्ड एम्प्लॉय को रिकमेंडेशन नहीं देती, लेकिन वो किसको देती है, मैनेजर को रिकमेंडेशन देती है, अपना आंसर सुनाती है। कितने दिन में, विद इन 7 डेज इन अ फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट के फॉर्म में वो मैनेजर को अपना आंसर देती है या रिकमेंडेशन देती है। इफ़ द व्यूज ऑफ द कमिटी मेंबर्स आर डिफरेंट, द व्यूज आर पुट इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब जो हमने स्टेप टू में देखा था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और ये कमिटी मेंबर्स के जो व्यूज हैं वो डिफरेंट हैं, एंड द फाइनल डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट द रिपोर्ट ऑफ ग्रीवियांस कमेटी मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द एग्रीव्ड एम्प्लॉय विद इन 3 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट। तो क्या होगा, जो मैनेजमेंट का फाइनल डिसीजन होगा ग्रीवियांस कमेटी की रिपोर्ट पर, ठीक है, वो एग्रीव्ड एम्प्लॉय को बता दिया जाएगा विद इन 3 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट, जब मैनेजर वो रिपोर्ट ग्रीवियांस कमेटी से रिसीव करेगा उसके 3 दिन के अंतर्गत। ठीक है, विद इन 3 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट, एन अपील फॉर रिविजन ऑफ द फाइनल डिसीजन कैन बी मेड बाय द वर्कर। अगर जो वर्कर है वो उस सॉल्यूशन से खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अगेन रिविजन कर सकता है, मतलब वो अगेन कंप्लेन फाइल कर सकता है, और मैनेजमेंट को उसका आंसर कितने दिन में देना है, विद इन 7 डेज। ठीक है, और उसके बाद भी अगर
मैटर सॉल्व नहीं होता है तो वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन होता है। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन में क्या हो जाता है कि दोनों यूनियन और दोनों मैनेजमेंट दोनों आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ केस को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब ग्रीवियांस का हमने प्रोसीजर पढ़ लिया, लेकिन अगर ग्रीवियांस एक एम्प्लॉय को होता है तो उससे कंपनी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कंपनी के प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लो क्वालिटी, लो इन क्वांटिटी, वेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयज़ पर क्या असर पड़ेगा, उनका एब्सेंटिज्म रेट और टर्नओवर रेट बढ़ जाएगा, मतलब वो काम ना पसंद करेंगे तो वो काम पर आना ही बंद कर देंगे। ठीक है, उनका कमिटमेंट लेवल कम हो जाएगा, सिंसियरिटी पंचुअलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर रहे होंगे। ठीक है, एक्सीडेंट के इंसिडेंट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, और एम्प्लॉई का जो मोरल है वो कम होता जाएगा। मैनेजर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंस हो जाएंगी, टेंशंस हो जाएंगी कि कैसे हम अपने रिलेशंस को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, उनका सुपरविजन की जो उनकी ड्यूटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, फॉलोअप की ड्यूटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको टाइम टू टाइम एम्प्लॉई से पूछना पड़ेगा, उस एग्री पार्टी से पूछना पड़ेगा कि वो सेटिस्फाई है या नहीं है या क्यों सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, इनडिसिप्लिन केसेस बढ़ जाएंगे, जब एम्प्लॉई ना खुश होगा और वो मजबूरी में काम कर रहा होगा तो मे बी वो बहुत सारी इनडिसिप्लिन हरकतें या हैबिट्स अपनी एक्टिविटीज सॉरी अपनी करेगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं रीजंस फॉर ग्रीवेंसेस, किस वजह से रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर एम्प्लॉय ना खुश है तो वो क्यों ना खुश है, मे बी वो एक्सपेक्ट कर रहा हो कुछ चीज़ें जो उसको नहीं मिल रही, अब वो उसकी एक्सपेक्टेशन किस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब जो फैसिलिटीज़ कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जैसे कैंटीन बस, वो उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर रही है, सुपरवाइजर का बिहेवियर नहीं अच्छा है, वर्किंग कंडीशंस अनहेल्दी हैं, अनसेफ है, कंपनसेशन और अप्रेजल सिस्टम अच्छा नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉय को ये फील होता है कि उसके लेवल के दूसरे एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी मिल रही है, उसको कम मिल रही है। ठीक है, और वो अपने टीममेट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, वर्किंग कल्चर उस ऑर्गेनाइजेशन का अलग है। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल अच्छा नहीं होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, और वर्कर्स का पार्टिसिपेशन ही कुछ जब नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस केस में ग्रीवियंसेस के चांसेस ज़्यादा हैं। और बाकी इशू क्या क्या हो सकते हैं, प्रमोशन से रिलेटेड, सेफ्टी मेथड, ट्रांसफर से रिलेटेड, डिसिप्लिनरी रूल से रिलेटेड, फाइन से रिलेटेड, लीव से रिलेटेड, मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड एंड सो ऑन। अब ये ग्रीवियंसेस जब होते हैं तो मैनेजमेंट उसको कैसे प्रिवेंट कर सकती है, उसके कॉजेज फाइंड आउट करके उन प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व आउट करके, ठीक है, करेक्टिव सजेशंस देके, जब वो एम्प्लॉय से बात करे, वर्कर से बात करे, तो उनको अच्छे सजेशंस देके, सही सजेशंस देके, ठीक है, इस्टेब्लिश एंड रीअफर्म पॉलिसीज एंड वर्क रूल्स, मतलब जो पॉलिसीज हैं वो इस्टेब्लिश करके, और अगर अच्छा सही से नहीं वो पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट हुई तो दोबारा उनको इंप्लीमेंट करके, और जो भी रूल्स हैं या जो भी पॉलिसीज़ हैं अगर बन रही है तो उनको कम्युनिकेट करना एम्प्लॉयज़ से, पहले ही कम्युनिकेट कर देना ताकि वो ये फील करें कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन की फैमिली हैं वो भी। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को उनके परफॉर्मेंस के बारे में टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहना कि उनकी पॉजिटिव जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड जा रही है, ऑब्जेक्टिव रहना, एम्प्लॉय की भी सुनना, लर्न टू लिसन, बी कंसिस्टेंट, फॉलो अप करते रहना टाइम टू टाइम, एम्प्लॉय से बातचीत करते रहना टाइम टू टाइम। ठीक है, और बाय वेरियस एचआर प्रैक्टिसेज एंड टेक्निक्स लाइक टी विद टीमर्स, होम विजिट, ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं वेरियस एचआर प्रैक्टिसेज। अब हम ग्रीवियंसेस को एक सुपरवाइजर कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकता है कि इस एम्प्लॉय को फॉलोइंग ग्रीवियंसेज है, या ये जो एम्प्लॉई है या वर्कर है वो डिससेटिस्फाई है अपने वर्क से, तो वो कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, वो टाइम टू टाइम फॉलो अप, जब मतलब राउंड लगा रहा है तो वो ऑब्जर्व कर रहा है हर एम्प्लॉय को काम करते हुए कि एम्प्लॉय प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या कमिटमेंट है उनका अपने वर्क के टू वर्ड्स या नहीं है, ग्रीवियंस प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, देन ग्राइप बॉक्सेस के थ्रू, ग्राइप बॉक्सेस क्या होते हैं, एक लोकेशन पर रख दिए जाते हैं, वहाँ पर जो एम्प्लॉयर वर्कर होते हैं वो अपनी कंप्लेंट्स डाल देते हैं। ओपन डोर पॉलिसी, ओपन डोर पॉलिसी में क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में बहुत ही ओपन रिलेशन होते हैं, मतलब एम्प्लॉय जो है वो अपनी फीलिंग ईजिली एक्सप्रेस कर सकता है मैनेजर के सामने विदाउट एनी प्रेशर या विदाउट एनी हेजिटेशन। एग्जिट इंटरव्यूज़, जब एम्प्लॉय अगर कोई जॉब छोड़ कर जाता है तो उससे मैनेजर या सुपरवाइजर पूछता है कि आप क्यों जा रहे हैं, क्या रीज़न है उसका। ठीक है, तो वो हो गया एग्जिट इंटरव्यू, उसके थ्रू भी ग्रीवियंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओपिनियन सर्वेज, ओपिनियन सर्वेज जो हैं ये कंडक्टेड होते हैं पीरियडिकली, किस लिए, एम्प्लॉयज से उनके ओपिनियन जानने के लिए रिगार्डिंग दी ऑर्गेनाइजेशन एंड दी पॉलिसीज़ की, ये
कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं या रूल्स हैं या जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सही हैं या नहीं है, कंपनी को वो फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर वो चेंजेस लाते हैं तो क्या और कैसे चेंजेस लाने चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स थे रिगार्डिंग ग्रीवियांस, जिसमें हमने बात करी ग्रीवियांस, उसका प्रोसीजर, उसके रीजंस, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे हम उसको डिस्कवर कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी मेन एक्ट्स हैं जो ग्रीवियांस हैंडलिंग में कंपनी को सपोर्ट करती हैं या वर्कर्स एग्रीव्ड वर्कर्स को सपोर्ट करती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको वीडियो आज की समझ में आई है। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।